Hello everyone. A very warm welcome to each one of you. So as we know that UPSC Civil Services Prelims is around the corner on 4th of October 2020, and also the date for the 2021 Civil Services Prelims has been announced in the last week of June. So us respect mein aspirants face different difficulties. They face several problems. Ki kis tarike se tyari ko aage badhaya jana chahiye. Alag-alag challenges aate hain journey mein. So un sab cheezon ko dhyan mein rakhte hue, we at Unacademy have organized Unacademy Champions Conclave, and in that Unacademy Champions Conclave, we would be calling in different toppers who have qualified the civil services examination in the year 2019. 2019 ke jo toppers hain, unko invite kara gaya hai, along with the top educators of Unacademy. So yahan pe ye event jo hai 30th of September ko hone wala, live and exclusive only on Unacademy. This would be an event jisme aapko sabse pehle Unacademy की वेबसाइट पे इधर ये लिंक है unacademy.com/event/championsconclave. ये लिंक आपको अपने लैपटॉप पे खोलना है एंड यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट. एज फार एज द रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री एंड देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस. आपको कुछ इसके लिए पे नहीं करना, यू सिंपली हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड यू कैन रजिस्टर इट. 30th सितंबर को एक दिन का इवेंट है. जितने भी आपके यहाँ पे डाउट्स क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन, सच एज कि यूपीएससी क्यों करना चाहिए, हाउ टू बी अ लीडर, हाउ टू एक्चुअली कैरी ऑन दैट पाथ ऑफ सक्सेस, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, इसके अलावा कि चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम करा जाए और क्या प्लान बी रहना चाहिए इन केस अगर यूपीएससी नहीं क्लियर हो पाता, तो किस तरीके से हमारे को और आगे सक्सीड करना इन डिफरेंट एरियाज. इन सब मसलों पर चर्चा होने वाली है इस अनअकैडमी चैंपियंस कंक्लेव में, जो कि 30th ऑफ सितंबर को होगा. 14 टॉपर, 10 अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस. यू कैन अटेंड एनी ऑफ द सेशंस, 14 सेशंस है पूरे दिन में, सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक. आप जितने सेशंस अटेंड करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं. इन केस अगर आपको कोई सेशन मिस भी हो रहा है, यू कैन अटेंड द रिकॉर्डिंग एज वेल. सो वी हैव कंप्लीट पैनल हियर विद अस टू डिस्कस अबाउट अनअकैडमी चैंपियंस कंक्लेव, इन विच अवधेश सर वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग अबाउट व्हाई यूपीएससी, कि हमारे को एग्जैक्टली यूपीएससी की तरफ अगर जाना है तो ऐसा यूपीएससी में क्या स्पेशल है दैट वी शुड ऑप्ट दैट करियर ऑप्शन. अवधेश सर. Thank you, Mudit, and thanks all the educator. And it's really, a very interesting thing to go back to my own days when I was preparing for civil services. You know, after doing my BTech, I joined Larsen & Toubro, which was one of the dream companies in those days, and I worked there for 1 year. And thereafter, I realized that you know I did not like working in the corporate, and I rather wanted to go for civil services. And thereafter, I started my civil services preparation by joining into my M.Tech course in IIT Delhi, and I got selected in the first attempt itself into Indian Revenue Service. Now, obviously, I faced this dilemma then also, and I am sure that many of you may be facing the dilemma now also. कि हम civil services के बारे में क्यों सोचें जबकि हमारे पास में ऐसी बहुत सारे हमारे पास में options हैं जो हम corporate में जा सकते हैं, multinationals में जा सकते हैं, बाहर के देशों में जाकर के हम कोई अच्छा सा job कर सकते हैं. तो सिविल सर्विसेज के बारे में ही हम क्यों सोचें? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज के बारे में अगर आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज इंडिया में आज की तारीख में भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन है. तो इसके बारे में हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस बात के बारे में सोचते हैं कि शायद ये एक आइडियलिस्टिक कैरियर है, या कई बार वो बहुत से लोग घबरा भी जाते हैं कि जब हम सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे तो शायद हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फेस करना पड़ेगा, हमारी पर्सनल लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, और उसके बाद में जो है हमें इधर उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और कैसे हम अपनी फैमिली को लेकर के और कैसे हम जो है एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. लेकिन देखिए, मैंने 25 ईयर्स तक सिविल सर्विसेज में IRS में काम किया, और मेरे जो दोस्त हैं वो सारी सर्विसेज में ऑब्वियसली हैं, कस्टम में और इनकम टैक्स में, IAS में, IPS में, IFS में, सारी सर्विसेज में हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता है. और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि जो आपका सिविल सर्विसेज का कैरियर है वो आप इसको बेस्ट कैरियर ऑप्शन की तरह देखें. आप देखिए कि किसी भी अगर आप कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं, तो आप सैकड़ों में एक होते हैं. आप बिल्कुल वहां पे एक मिडिल लेवल पे या एक नीचे के लेवल से स्टार्ट करते हैं, और ऊपर तक पहुंचने में आपको बहुत साल लग जाते हैं. लेकिन यहाँ पे जब आप एक सिविल सर्विसेज में कोई भी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, चाहे IAS हो, IPS हो, IFS हो, IRS हो, तो आप एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पे ज्वाइन करते हैं, जहां पे कि बाकी जो कैडर के लोग आते हैं अक्सर वहां पे आके रिटायर हो जाते हैं.
और उससे आप ये समझिए कि आपके पास में जो काम करने का स्कोप है, जो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एज अ इनकम टैक्स कमिश्नर या कस्टम्स कमिश्नर, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर है जहां पे आप एक बार अगर आप इसमें चले आते हैं तो आपकी जो पूरी की पूरी जो कैरियर है वो सिक्योर हो जाती है। सेकेंडली मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में हम लोग अक्सर समझते हैं कि शायद पॉलिटिशियंस के पास में बहुत ज्यादा पावर्स होती है और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको उनके अंडर में काम करना होता है और उनकी बातें माननी ही माननी पड़ती हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए कोई भी हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट होता है उसको जो पावर्स मिलती हैं वो उसको पार्लियामेंट से मिलती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से मिलती हैं, और उसको कोई भी पॉलिटिशियंस जो है वो कोई भी काम करने के लिए बेवश नहीं कर सकता जो कि लॉ के हिसाब से ना हो। आप किसी को भी ना कर सकते और आप वही काम करें जो कि आपको सही तरीके से लॉ के हिसाब से लगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर के केसेस में भी गवर्नमेंट आपकी पूरी टेक केयर करती है, आपकी सारी की सारी जब भी ट्रांसफर होता है सारी की सारी एक्सपेंसेस होते हैं बियर करते हैं, जहां भी जाते हैं आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा जो आपके जो प्रमोशंस हैं वो सारे के सारे सिक्योर्ड हैं, उसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक सबसे बेहतरीन कैरियर है और आपको सबसे पहले इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सिविल सर्विस चूज करते हैं तो इसलिए चूज करें क्योंकि ये इंडिया का आज की तारीख में भी और आने वाले समय में भी सबसे बेहतरीन कैरियर है। So, sir, as aspirants prepared for UPSC, so one small question here would be, like, abhi recently service allocation hua tha 2019 ka, aur usme hum puri ki puri PDF dekh rahe the. So, usme tha ki initially jo preference tha logo ka, wo IAS ki taraf zyada raha tha aur IPS ki taraf halka sa kam raha tha ya IRS ki taraf halka sa kam raha tha. So, like, what's your opinion for that? Like, UPSC covers entire gamut of services, like different services are there, but there has been this categorical tilt towards one particular service. So what's your take on that? देखिए जो IAS का है हमारे देश में एक बिल्कुल ही एक स्पेशल रोल है IAS का, जैसे कि जो बाकी जो सर्विसेज हैं चाहे वो फॉरेन सर्विस हो चाहे वो पुलिस सर्विस हो चाहे रेवेन्यू सर्विस हो, वो एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अगर आप मान लिया पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप DGP बनेंगे, आप अगर मान लिया टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप चेयरमैन बनेंगे, आप इसी तरीके से अगर मान लिया आप फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं तो आप एम्बेसडर बनेंगे। लेकिन जो IAS की सर्विस है वो ऐसी सर्विस है कि जिसके जो ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो टॉप पोस्टें होती हैं, जैसे सेक्रेटरीज होते हैं जो कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर होते हैं, वो पोस्टें जो है वो अक्सर IAS ऑफिसर्स जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, और इसीलिए जो है लोग IAS को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और IAS को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट में काम करने का एक अपना एक मजा होता है और डिपार्टमेंट हमेशा आपको एक स्पेशलाइजेशन देता है, लेकिन जो IAS की सर्विस है वो सबसे ज्यादा इसलिए प्रेफर की जाती है कि सारे जो डिपार्टमेंट के ऊपर जो हेड्स के ऊपर जो पोस्ट होती है सेक्रेटरी की वो IAS ऑफिसर्स की होती है, और IAS ऑफिसर्स आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी काम करते हैं, और वैरायटी ऑफ जॉब जो है उनके पास में सबसे ज्यादा होता है, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा लोग IAS को प्रेफर करते हैं। So, as we have seen that why UPSC is a preferred career option. So I would like to ask Sudarshan sir from you, like there is this topic journey to success ki UPSC mein agar humarko aage badhna to kis tarike se humarko actually succeed karna, like what is the path ahead, humarko batai ki it is full of challenges, so what's your take on that, aapko kya lagta hai? So first of all thank you Mudit, aur sir ne bhi bahut acha bataya abhi ki UPSC jo sabse basic question hota hai ki is field mein kyun aaun। अब आई थिंक इतना क्लैरिटी तो मतलब आ ही गई है अब लर्नर के उसमें। अब इसके बाद सबसे बेसिक चीज़ जो होती है ना कि चलिए आज मैंने डिसाइड भी कर लिया कि कुछ इसके बारे में सोचा जाए, इसकी जो जर्नी है वो कैसे रहने वाली, और ये जो हम लोग का इवेंट है अनअकैडमी के द्वारा ये सबसे मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आपको एक दिन में मतलब आप काफ़ी कुछ गाइडेंस यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना वो कि देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, सिंपल सी बात है, और ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ये चीज़ अप्लाई होती है। कहने को आप एक बेसिक लेवल से लर्नर शुरू तो कर देता तैयारी, सोचता है पहले मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, या अचानक आवाज आने लगती कि NCERT पढ़ो ये पढ़ो, पर अब पैटर्न ही नहीं पता होता, स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही होती कि किस डायरेक्शन में जाऊँ, MCQs का रोल ही नहीं पता होता है कि आखिरी तक पूरी तैयारी हो जाती, और हम लोग पता ही नहीं होता कि कब MCQs शुरू करें, आंसर राइटिंग कब शुरू करना है, मतलब 8 महीने 10 महीने गुजर जाते हैं प्रिपरेशन को लेके कि तैयारी शुरू की है मैंने, बट मुझे यही नहीं पता होता है कि हिंदू कैसे पढ़ना है। हमेशा एक बेसिक क्वेश्चन, आई थिंक सभी एजुकेटर्स का एक बेसिक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देखते होंगे, लर्नर्स अक्सर पूछते हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर करके, बहुत मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चन, और
इसके बीच में कभी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। तो ये जो जर्नी है, जर्नी मतलब काफी बड़ी जर्नी है, काफी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आप, और इनफैक्ट सब्जेक्ट्स में भी इसमें सिलेक्शन इस तरह का है कि शायद पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि यार ये चीज भी होती है क्या, ऐसी चीज भी होती है। मतलब मैं जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी कभी चीजें जब बताता हूँ तो लर्नर्स मतलब देखते कि हाँ शायद हम ये मिस कर गए। तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, लगता है कि भाई कैसे होगी प्रिपरेशन, क्या होगी। तो इन सभी चीजों में एक तरह से कल का ये जो सेशन रहेगा हम लोगों का, ये सितंबर जो 30 को कल होने वाला है, इसमें काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और इसीलिए ये जो हम लोग टॉप एजुकेटर्स और जो जितने भी ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी जर्नी को भी शेयर करेंगे कि कैसे आपको कहाँ कहाँ पर किस तरह से वर्क करना है। तो मुझे लगता है ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। और आगे बाकी एजुकेटर्स आपको और भी इस तरह से बताएंगे कि कहाँ 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 पर चीजें मतलब जर्नी टू सक्सेस हमने देखा। इसके अलावा तैयारी में, सो एज वी से दैट हार्ड वर्क इज अ गुड थिंग, बट अगेन अलॉन्ग विद हार्ड वर्क हमारे को स्मार्ट वर्क भी करना होता है, एंड हार्ड वर्क ऑलवेज शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। उसके लिए हमारे को कुछ टिप्स चाहिए होते हैं, डे वन से प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। सो डॉक्टर मंजेश, यू हैव बीन अ मेंटर फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सिंस अ लॉन्ग पीरियड नाउ, सो लाइक what do you think are the major problems that aspirants or major mistakes that aspirants commit ki apni taiyari ke shuruaat mein wo ek galat direction pakad lete hain, aapka usme kya theek hai, aapne kya aisi major galtiyan dekhi hain jo aapko lagta hai ki sudhari ja sakti hain ekdam beginning mein? Thank you Mudit sir, or civil services have been the steel frame and they are still the steel frame and it is called the mother of examinations, so actually we need a completely different strategy for this exam in comparison to university exams or other competitive exams. आप देखें कि ये exam बिल्कुल अलग तरीके का है, इसका extension देखें, इसका तरीका देखें, तो ये शायद जो civil services हैं इंडिया के बहुत कम गिने चुने exams हैं जो 3 stages में हैं। Prelims का stage है आपके लिए, mains का stage है, और personality test या interview का stage है, और तीनों stages अलग तरीके से चलते हैं। Prelims आपका objective है, मेंस आपका रिटन सब्जेक्टिव है, और पर्सनालिटी टेस्ट इज द ओवरऑल असेसमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो एक तो बहुत एक्सटेंसिव यहां पर है, फिर सिलेबस देखें तो इसमें जो कवरेज है सिलेबस की, चाहे आप प्रीलिम्स की देखें, मेंस की देखें, इंटरव्यू, प्रीलिम्स में सीसेट, जनरल स्टडीज, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वट एवर, हर चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो इसकी तैयारी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो सकती जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में या हम करते हैं या वनडे एग्जाम्स के लिए करते हैं। इसकी तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होगी, जहां पर हर स्टेज के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि एक रात पहले बुक या नोटबुक लेके बैठ गए, पूरी रात रट्टा लगाया। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, तो उसी स्ट्रेटजी पे आप लोग चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैंपियंस कंक्लेव होने वाला है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा कि आप टॉपर्स से जानेंगे, जो आपके बहुत क्वेरीज होते हैं, बहुत जनरल क्वेरीज होते हैं कि भाई प्री की मेंस की तैयारी एक साथ करें या अलग अलग करें, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, क्या सोर्सेस यूज करें। तो इन सारी चीजों को जब टॉपर्स आपको बताएंगे जिन्होंने क्लियर किया है, और उसके साथ साथ जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको अपना एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे, तो मैं समझता हूं कि शायद ये समटाइम्स इन द हिस्ट्री कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब इतना बड़ा कॉम्बिनेशन और इतना बड़ा कंक्लेव हो रहा है, जहां एक और एक्सपीरियंस है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेटर्स और दूसरी और प्रैक्टिस है इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो दोस्तों, आप इसको बिल्कुल मिस ना करें और इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं सारी टिप्स, सारी स्ट्रेटजी, एवरीथिंग यू आर गेटिंग गोइंग टू गेट देयर, सो होप टू बी देयर। एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, सो There is this one debate, एक जो हमेशा debate रहती है English medium और हिंदी medium के बीच में। दीपिका मैम, you from you teach English medium aspirants, और सुदर्शन सर आप हिंदी medium belt को ज़्यादा cater करते हैं। So आप दोनों का opinion यहाँ पे क्या रहेगा कि like एक myth रहता है कि I am from English medium, so I have an edge, या हिंदी medium से हूँ तो automatically 2 कदम पीछे हूँ, मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी है। So, इसमें आप दोनों का यहाँ पे क्या ओपिनियन रहेगा कि लैंग्वेज जो होता है प्रेफर्ड, कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को कई बार ये लगता है कि हम थोड़ा पीछे हैं, इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स फील दैट ओके वी हैव ऑल द स्टैंडर्ड सोर्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो इफ वी कैन एनालाइज इट ऑब्जेक्टिवली, सो व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दैट? सुदर्शन सर, दीपिका मैम। सबसे बेसिक चीज ये है कि जैसे मेरे कुछ कोर्सेज अभी प्लस कोर्सेज अक्सर मैं बाइलिंगुअल पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें नो डाउट स्टार्टिंग में जब लर्नर आ रहा होता है क्लास में, तो
वो उसको यही सबसे बेसिक डर कि मेरा क्या होगा, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ और सर आपकी तो पीडीएफ भी जो है हमें तो इंग्लिश में मिलेंगे, तो उसका क्या होगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि आफ्टर मतलब 10 से 15 क्लासेस अटेंड करने के बाद मुझे लगता है सबसे ज्यादा आंसर्स वो हिंदी मीडियम वाला लर्नर भी सही कर देता है। ठीक है, मतलब बात हो जाती है ना कि आप चीजों को कितना लेवल पे कर रहे हैं। मतलब एक तो सबसे पहली चीज है डर, तो जब देखा गया डर तो पहले बहुत लग रहा था, लेकिन जब चीजें आने लगी, समझ में आने लगी, क्वेश्चन करने लगे, तो ये सब चीजें मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि जब तक आप उस चीज को करेंगे नहीं, है ना, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ या कहाँ सही हूँ। नो डाउट कुछ चीजें ऐसी हैं कि कंटेंट के मामले में चीजें ऐसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम गवर्नमेंट है, इसके मोस्ट ऑफ द ऑथेंटिक सोर्सेज भी गवर्नमेंट है, और आई थिंक गवर्नमेंट का हर चीज आपको दोनों मीडियम में मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, आधे से ज्यादा आंसर्स अपने को वहां भी मिल सकता है। तो पहले जरूर यह मत था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के टाइम में इतना सब डाइवर्स हो गया है, थोड़ा न्यूज़पेपर का है, लेकिन उसमें भी अब क्या हुआ है कि अनअकैडमी की हेल्प से इतने एजुकेटर्स आपको जो हिंदू एनालिसिस दे रहे हैं, मतलब बायलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी का अलग दे रहे हैं, इंग्लिश का अलग दे रहे हैं, तो अब ये काफी कुछ आसान हो चुका है। तो मतलब एक ही सिंपल यदि समराइज करूं इस पैटर्न को, तो मैं यही कहूंगा कि लर्नर को पहले ना मतलब बिना डरे स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करने के बाद चीजें हमें पता लगती हैं, है ना, कि कहाँ अपनी गलतियां रही हैं और कहाँ हम और सुधार सकते हैं। और जब उस एनवायरमेंट में लर्नर बैठता है कि यार इंग्लिश मीडियम में तो अच्छे आंसर आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, तो मैं भी तो मतलब मेरा भी तो ब्लड रेडी है ना, आफ्टर ऑल मैं भी तो कर ही सकता हूँ चीजें, तो वहां से मैंने देखा है। मतलब बाकी मैडम और बता सकती हैं मुझे लगता है। एंड ऑल्सो मैम प्लीज डू इलाबोरेट अमंग्स द इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स देयर इज दिस स्लाइट फोबिया दैट वी हैव टू राइट गुड वर्ड्स और हमारे को वोकैबुलरी भी स्ट्रांग करनी है। सो सो व्हाट्स योर एंटायर टेक ऑन दैट? यू आर नॉट ऑडिबल मैम, सो इफ यू कैन जस्ट चेक। एंड नाउ आई एम ऑडिबल विद इट। Adding to what Sudarshan had said, and I'll elaborate your question with your permission. The question should be, you know, what about regional languages versus English? Because in South India also, there are a lot of students who would like to write the exam in their mother tongue. But they have this initial fear that, you know, what will happen to us, material, coaching and all that. See, it is like this. Ultimately, it is more about the student, his commitment to the exam, rather than the language in which he's attempting. Undoubtedly, English medium students will have a little advantage in terms of ready-made material. But again, complacence is very high in English medium students. I am sure many of us would have experienced this. Out of this fear that there is no material, the regional language students put in more effort. But for them, the advantage is understanding in your mother tongue is always better when compared to any foreign language. No matter how good I speak in English, understanding would be much better in my mother tongue. And the second advantage that these regional people will have, regional aspirants will have, is they make notes in their own language. You know, they have to make their notes. The compilation of notes is such a humongous effort and a positive effort towards the exam that answer writing for them becomes far more easy when compared to English medium students. So, you know, English has its own advantage. Hindi regional languages have their own advantage. But ultimately, it is about what are you looking, I mean, what? How do you look at the exam? What is your perception about the exam? What is your approach about the exam? So it is ultimately about the student and not the language. That is the first thing. And the second thing is many students, yes, you know, they ask what type of language should we write. There is one thing off late because of SMS, internet and all that. We have this SMS language that trends, you know, Twitter language, SMS language. That is something which we all of us ask our students to avoid. But definitely not flamboyant English. We don't look at great language, you know, we don't look at big terms. We only look at technical terms, subjective terms, and simple English. Construction should be good. As long as you are able to do that, you will definitely score marks. So it is about the grammar and it is about using the words related to the subject. Right. So we have talked about tips and strategies, and we got some insight about why UPSC tips and strategies, what the journey would likely be. So let us talk about another aspect, and that is about be a leader. So Pawan sir would tell us about, like, ki agar civil services ki taraf hum ja rahe hain, to obviously humar ko kahin na kahin jaake leader banna hai. So like what the path would be, Pawan sir? Thank you, Madhul sir. I would like to tell you one thing very clearly. Sabhi logon ne kaha bhi hai, Adesh sir ne bhi kaha hai, Manjay sir ne bhi kaha hai, Sudarshan sir aur ma'am ne bhi kaha hai.
एक्चुअली हम सभी को ये पता है कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो थ्री टायर का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और हर एक जगह पे आपको अलग तरीके के डिमांड है। प्रीलिम्स की एक अलग डिमांड होती है, मेंस का अलग डिमांड होता है, इंटरव्यू का अलग डिमांड होता है। सो कई बार क्या होता है, जब बच्चे बिगनर्स होते हैं, जब वो फ्रेशर्स होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो कई बार वो ट्रैप में फंस जाते हैं एंड उनको सॉल्व करने में दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम कि हाँ क्या होना है, क्या करना है, व्हेन वी हैव टू मूव अहेड। सो अभी उन सारे सॉल्यूशंस को, उन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हमारे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों ने इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, क्योंकि ये जो कॉन्क्लेव है ये अपने आप में ही यूनिक है एंड इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर एक तरफ आपके पास टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको ट्रेन करेंगे, आपको बताएंगे भी उनके एक्सपीरियंसेस, और दूसरी तरफ आपके पास वो लोग हैं जिन्होंने जो अपने हर्डल्स को फेस किया है, उसे ओवरकम किया है, दे विल लेट यू नो कि हाउ यू कैन ग्रो एज अ लीडर। ठीक है, जैसे मैं अभय सर को भी सुन रहा था, यू वाज सेइंग आल्सो दैट यू बिकम एन आईएएस, तो आपके पास क्या होता है कि आप ऐसी जगह होते हैं कि जहां आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या मिनिस्ट्रीज होते हैं, यू वर्क विद दैम। इनफैक्ट अगर आप लाइट सर्विसेज में भी हैं, अगर कहीं भी हैं, तो यू आर, यू वुड बी द एचओडी ऑफ योर डिपार्टमेंट और आपको लीड करना होगा। सो आपके पास वो इंस्टिंक्ट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाय बर्थ ही केवल इंस्टिंक्ट नहीं आता है, बल्कि आप ओवर द टाइम थ्रू योर प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, यू कैन अचीव दैट, वो इंस्टिंक्ट आपके अंदर आ सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्क्लेव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय अस, बाय अन एकेडमी, बाय द टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, हमने आपके बारे में सोचा, वी केयर फॉर यू, वी ऑलवेज केयर फॉर यू, वी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई द कॉन्क्लेव इज वेयर वन साइड यू विल फाइंड द, आई मीन द टॉपर्स in this 2019 mein, aur dusri taraf hamare paas educators hain, and in fact it is also an advantage for us ki hamare paas waise bhi educator hain, jaise main sir baat karun Sabdev sir ke bare mein, who is a bureaucrat turned academicians, in fact jo abhi aapko bata rahe hain, so it is really a beautiful platform and students should enroll on, definitely unko kal jo hai so isme participate karna chahiye aur apne experiences ko rich karna chahiye, jo bhi unke hurdles hain, jo bhi unke dimag mein confusions hain, unke paas mere khayal se definitely har kisi ke paas अपना कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका एक सॉल्यूशन को मिल पाएगा। राइट राइट, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड देयर इज दिस यूनिक एस्पेक्ट, लाइक सो ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी अ बिट एंड द फीमेल एस्पिरेंट्स हु कम फ्रॉम वर्किंग बैकग्राउंड, लाइक दे हैव अ लॉट टू हैंडल, सो एंड वी हैव अमंगस्ट अस अ वुमन लीडर हरसेल्फ, सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम दीपिका मैम, लाइक व्हाट चैलेंजेस do female candidates may see, and what do you think, like how they can go on to become a great female leaders? First challenge obviously, Mudit, is family support. Right. Many a times what happens is the family should be willing to give them that kind of time, 2 years, 3 years, because this exam is not a 6 months or 1 year job. You attempt, you fail, you have to come again. Marriage is something that is a major thing for girls. There'll be a lot of pressure if she's married, then kids will be a pressure. Family, managing the husband, working, career, managing household. So, there are multiple problems. So usually what I suggest to students who are, especially the girls who are preparing for the exam, is they should be very clear about why they are attempting the exam, and they should have a very clear talk with their family. It could be her husband or her parents. Explain them what is their motive in getting into the service. In fact, they should be clear. They should be very clear, because we, in our social setup, it is so difficult to keep up with your career or your objectives. There are so many family related issues or social functions that you have to participate. So it's all about choice, basically. And a woman has to make more choice when compared to men, because traditional compulsions are more in the case of women when compared to men. The first thing that I would say is, please have a clarity as to why I should get into this service. There should be a clarity. And there should be a very clear talk with your parents, because I believe no matter how good or bad you are as an aspirant, you should always have a conducive environment for the exam. It is very, very important that you have a very conducive environment. And for that, a very frank talk is very, very important. The third thing the girl should do is, she should have a clear, in fact, all aspirants should do is, they should have a very clear plan as to how to prepare for the exam, which I think begins with a very small and practical step, that is reading the syllabus. Trust me, I'm sure we all have this experience, whenever we ask in the class, did you read the syllabus? 55 to 60% students would have never read the syllabus 6 months, 1 year into the preparation. Okay, so there are certain practical things. For girls, the time is very less, because
socially there'll be a lot of pressure. So in that case, it is always important that they have a very, very practical approach to the exam, have a very fair talk with the family, and they have to take them along in their preparation. Right, right. And also, as we talk along, there is this another topic that we'll be discussing upon during the conclave, and that is the overcoming challenges. कि हमारी अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, किसी की family background ठीक नहीं है, कोई एक ठीक environment से नहीं आ रहे हैं. So Avdesh sir and Sudarshan sir, if you can bring in some insight into this, कि challenges को किस तरीके से आप हम overcome कर सकते हैं, कि अलग-अलग तरीके के कुछ लोगों को एक mental challenge face होता है कि बहुत लंबा process है, and we feel we may feel depressed sometimes, या maybe financial constraints है कि हमारे पास अपने आप को sustain करने के लिए 2-2.5 साल उतना source of income नहीं है, family supportive नहीं है. So how do we manage those challenges, Avdesh sir and Sudarshan sir? I think that's a very good question, Modit. And you see, every person's economic background, his profession, and his requirements are different. For example, if you have parents who can support you, then I will advise that you do full time preparation sitting at your home, and join the best of the coachings, and get the best of the material. But sometimes it becomes very difficult. For example, in my own case, I was basically having 5 brothers and 1 sister. We're living in a very small house, and therefore, it was not possible for me to study in my home. And in that situation, my strategy has to be different. So the first message which I want to give is that never allow your constraints or limitations to become a limitation on you. Whatever may be the challenge, you can always become a civil servant, and you can always find in every single batch a large number of people who have overcome their challenges and they have got top rank in the civil service examination. So first of all, सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना है कि हमारे पास जो challenges हैं वो ऐसे हैं कि हम उसकी वजह से civil service नहीं qualify कर पाए. तो अब जैसे देखिए, अगर आपके पास मान लिया आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अब कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास में सुबह का टाइम मिलता है. मैं तो हमेशा सुबह के टाइम को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि सुबह का टाइम माइंड फ्रेश रहता है और आप अच्छे तरीके से उसको चीजों को समझ पाते हैं. आपके पास ब्रेक्स मिलते हैं, आपके पास शाम को भी 1-2 घंटा निकाल सकते हैं, उसके बाद में वीकेंड आपके पास में 2 मिल जाते हैं नॉर्मली, और इतने समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं. अगर आप मान लिया कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं एमटेक साथ में कर रहा था, तो मान लिया रोज आपकी 4-5 घंटे की क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपके पास में कम से कम 5-6 घंटे आप रोज पढ़ाई कर सकते हैं क्लासेस करने के बावजूद भी. वीकेंड्स आपके पास में हैं, छुट्टियां आपके पास में हैं, और उसी तरीके से आपके पास समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होते हैं जहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं. तो तैयारी करने के लिए देखिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. और आपके लिए एक चीज जो इस डिस्कशन में बहुत लोगों ने कही और वो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, देखिए हार्ड वर्क अपनी जगह है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला सकें. और इसके लिए किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को नहीं पढ़ना है, किस चीज को कितनी डेप्थ में जाना है, किस चीज को किस तरीके से तैयार करनी है, अगर आप ये प्रॉपर स्ट्रेटजी को अपनाएं तो आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं. तो कभी भी दिमाग में ये मत रखिए कि मेरे पास में कुछ ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा. हमेशा आप अपनी लिमिटेशंस को एक चैलेंज की तरह रखिए और उस चैलेंज को ओवरकम करने का एक जुनून ले आइए कि जो भी सिचुएशन होगी मैं इसको ओवरकम करूंगा और मैं सफलता को पाऊंगा. और अगर आपके अंदर वो जुनून है तो मुझे कोई शक नहीं है कि आप अपने मकसद को पाएंगे. राइट राइट राइट. सुदर्शन सर, योर टेक ऑन दिस, कि किस तरीके से जो डिफरेंट बैकग्राउंड से या फिर जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं अपनी तैयारी में, सो किस तरीके से उन्हें ओवरकम किया जा सकता है? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर जो आपने कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा हो ऐसा कुछ? बैकग्राउंड में ना, मतलब एक मुझे सबसे कॉमन चीज लगती है कि सबसे पहले जब लर्नर आते हैं तो वो अपना परसेंटेज देखते हैं कि मेरा परसेंट कितना है, और इनके तो 90 है, और कोई IIT से पढ़ा है और कोई यहाँ से पढ़ा. तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, फिर UPSC अपना क्राइटेरिया रखती ना कि मतलब 90% वाले ही सिलेक्ट हों, IIT वाले ही सिलेक्ट होंगे और यही वाले होंगे, बाकी आप लोगों का तो जो है आपको सिर्फ देखना है बैठ के कि कैसे गए जा रहे हैं ये लोग. तो मुझे सबसे बेसिक यही चीज लगती है. सर बोल रहे थे ना कि जुनून होना चाहिए, तो जब आप जा रहे हो ना तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि मैटर करने वाली है, नहीं तो फिर अपना क्राइटेरिया चेंज कर देती अब तक UPSC, क्योंकि अब काफी अनुभव हो गया पेपर को कंडक्ट कराते कराते भी. तो एक बात बस यही चीज है
कि आपको अपना थोड़ा सा एक विल पावर जिसको कहते हैं ना, कि जब तक अंदर से अपनी खुद के मतलब जब कोई बड़ी चीज क्रिएट होती है ना तो वो सबसे पहले आपके माइंड में होती है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। जब तक आप उस लेवल पे थॉट प्रोसेस को अपनी नहीं ले जाएंगे तब तक कैसे बने। तो एक तो जो चीजें हो चुकी हैं कि भाई मेरे परसेंट कम थे आते हैं, वो हो गया, अब उसका एक अलग समय था, चला गया, शायद अब हम लोग चेंज कर सकते हैं चीजों को, तो उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। फिर एक हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की बात थी, मुझे भी एक चीज है, या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एक चीज देखी है कि आप हार्ड वर्क करते करते ना स्मार्ट हो जाते हैं आप, मतलब अचानक कहीं से ये आने वाला नहीं है कि स्मार्ट आ गया आज जो है इसको वरदान में मिला है, पहले तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको, मतलब ये इसका कोई तोड़ नहीं है। और फिर हार्ड वर्क करते करते आपको पता ही नहीं होता कि आप कब कितने स्मार्ट हो चुके हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब दोनों बहुत अपने अपने मायने रखती हैं, और शायद ये स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक शायद न समझ में आए, क्योंकि ये सिर्फ वही बोल पाता है जिसने हार्ड वर्क करके स्मार्टली काम किया हो। तो पहले थोड़ा हार्ड वर्क जरूरी है, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हार्ड वर्क के बाद फिर और आगे मंजेश सर भी कुछ बोल सकते हैं मुझे लगता है हार्ड वर्क में थोड़ा सा। सर आपका कॉल म्यूट है। एक्चुअली ये सही कहा सर ने कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क अगर आप करते हैं तो उसके बाद जो सक्सेस मिलती है तो उसका एक मजा भी अलग होता है, स्टोरी में दम होता है थोड़ा। हाँ जी, और हार्ड वर्क यदि आप करेंगे तो हार्ड वर्क करने के जो उसके तरीके में या उसके जो क्रम में आपके पर्सनालिटी में जो निखार आता है, वो निखार और वो इम्प्रूवमेंट आपकी जो इंटरव्यू है, जिसको इंटरव्यू नहीं यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट कहता है, तो वहां पे वो चीज दिखती है कि एक पैम्पर्ड चाइल्ड कौन है और एक कौन है जो कठिनाइयों से लड़ते हुए यहां तक आया है। तो हार्ड वर्क आपको फाइनल, ध्यान रखना कि ये वन डे एग्जाम नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव दिया और निकल गए। तो हार्ड वर्क आपकी पर्सनालिटी को बनाता है, और जब आपकी पर्सनालिटी बनती है तो पर्सनालिटी टेस्ट में आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो ये भी उसका हार्ड वर्क है नहीं, और हार्ड वर्क से आप स्मार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखिए, मैंने तो जब सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं करता था तो हमारा एक रूल था कि 10-12 आवर्स तो मिनिमम हमें पर डे पढ़ना है, और मैं नॉर्मली अपनी जो मेरा जो रूटीन था सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता था और रात में मैं करीब 10 बजे सोने के लिए जाता था, और इस बीच में मेरे ख्याल से जो मैं ब्रेक लेता था खाने के लिए सोने के लिए या वॉक करने के लिए, उसके अलावा दिमाग में एक ही बात रहती थी कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो बिल्कुल सुदर्शन, आपने बिल्कुल सही बात कही, बहुत पते की बात कही कि हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है, और किसी भी तरीके से आप 10-12 घंटे अगर आपके दिमाग में रहे कि भाई इतनी तो मुझे मेहनत करनी है, और ये केवल थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लगातार कम से कम आपको 2 साल का हॉरिजन लेके चलना है, 1 साल मिनिमम तैयारी और 1 साल अगर पहले टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो गए तो भी इतनी आपको मेहनत करनी है, और अगर जरूरत पड़े तो उसके आगे भी मेहनत करनी है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और इसी उसी जज्बे को लेकर के आप आगे बढ़े, तभी आप पता कर पाएंगे कि इतने समय में हम और बेटर आउटपुट कैसे हैं। लेकिन हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। बिल्कुल सही सुदर्शन और मंजीत, आप मंजीश दोनों आपने कहा बिल्कुल सही आपने ये बात की। राइट, सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर कंक्लेव, जिसमें चर्चा होने वाली करियर बैकअप के बारे में, सो पवन सर इफ यू कैन elaborate your thoughts ki kai baar aisa hota hai ki mehnat karne ke baad bhi exam clear nahi ho pata, and then there is a sense of failure that creeps in ki mere se to exam nahi hua baki sab ka ho gaya to kya main failure hu ya kya main piche reh gaya, and that is a very demotivating thought. So what's your take on that, Pawan sir? Thank you Mudit sir. Main kaafi der se soch bhi raha tha ki mujhe kai desh sir ne bola aur is vasu sir ne bhi badi achhi baat boli aur bilkul apne desi andaaz mein sir ne bataya ki mehnat ka koi jod nahi, lekin mere hamare samne hamari society mein bahut sare aise examples hain, कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैं पिछले साल का एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा, नाम उनका बोल रहा हूँ मैं, सम उमर खैर हैं, वो सीजन IRS टुडे, ठीक है, और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो शायद आपको मालूम होगा कि व्हेन सी वाज इन द क्लास 5th or 8th उन्हें फैमिली से लोन निकाल भी दिया गया था, एंड सी वाज रेजाइडिंग इन अ स्लम, स्लम में अकेले रह करके इनके उसके बावजूद उनके पास इसके अलावा उनके साथ फिजिकल प्रॉब्लम भी थी, स्पॉन्डिलाइटिस भी शायद उनके साथ बहुत ज्यादा था, she was unable to in fact sustain herself, ke khana pina sari cheeze karna, she has to manage her livelihood bhi hai, padhai bhi karna hai, and because of her strong determination she cleared UPSC and says today IRS last batch ke hain wo, to mere mujhe lagta hai kya
कि अभी आप जो आपके पास अगर डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो, अगर आपकी नियत बहुत क्लियर अगर है, अगर आप बहुत फोकस है तो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू. दूसरी बात है, आदेश सर के पॉइंट से मैं एक बात लेना चाहूंगा कि सर ने बताई है कि बहुत पहले की बात है, व्हेन पीपल यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 टू 12 आवर्स, बहुत ज्यादा बात है. लेकिन आज के जमाने में जहां हम लोग देखें कि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो जनरेशन के लोग हैं, दे आर वेरी लकी कि उनके पास ऑनलाइन के तरीके से जो सारी चीजें हैं. मुझे याद हुआ है कि जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो हमें एक टॉपिक को क्लियर करने में ना जाने कितने रेफरेंसेस लेने पड़ते थे और कितनी देर में हमें चीजें समझ में आती थी. आज की तारीख में आप हैं ऑनलाइन पे आया कि एक बार आपने देखा कि हाँ ये सर से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच करे, उनके आइडियाज को आपने लिया एंड थिंग्स आर क्लियर. तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में 7 to 8 hours अगर आप कॉन्स्टेंटली करते हैं एंड यू आर वर्किंग द राइट डायरेक्शन, देन नथिंग इज गोइंग टू डिफीट यू. आप यू विल एमर्ज एज अ वॉरियर डेफिनेटली एंड यू विल सेट योर एग्जांपल्स. इनफैक्ट अभी आप टॉपर्स को भी देखेंगे कि जिनका कोई बहुत ज्यादा मतलब अगर देखेंगे बहुत ऐसा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं रहा हुआ है कि जो है कि जिन्होंने टॉप किया, इनमें बहुत हम्बल बैकग्राउंड से गांव से निकल के लोग, रूरल एरिया से लोग आकर के उन्होंने क्लियर किया है. एक बात और मैं थोड़ा सा अभी बीच में मेरे दिमाग में एक बात आ गई है. सर कंक्लेव कल जो है 9 बजे से है, कल 10 बजे से नहीं है, कल 9 बजे से है. तो सभी लोग इस बात को ध्यान में प्लीज रखिएगा कि कल कंक्लेव अपनी 9 बजे से स्टार्ट होगी. दूसरी बात सर ये भी है कि अभी हमने देखा है कि अभी जो प्रिपरेशन का जो तरीका है कि आज की तारीख में कोई भी थर्ड डिवीजन भी है, सेकंड डिवीजन भी है, कोई भी मार्क्स है, किसी भी क्या कहते हैं स्ट्रीम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी कर सकता है. क्योंकि यूपीएससी ने अभी आपने देखा जो अभी सिलेबस को जो स्ट्रक्चर किया है, जैसे एक ऑप्शनल का कर दिया जाना, जीएस को हर किसी को कॉमन कर देना हर किसी के लिए, ये इसलिए किया गया है कि हर एक स्ट्रीम के लोग, जैसे मान लो कोई इंजीनियर है तो उसे हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, कोई अगर हिस्ट्री से किया हुआ है तो उसे साइंस पढ़ना पड़ेगा. सो ये हर किसी को इक्वल फुटिंग पे लाने की बात की, बस जरूरत है कि आप राइट डायरेक्शन में चलते रहें, मूव ऑन करते रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहें. इनफैक्ट मैं कहूंगा थोड़ा परसिवियरेंस रहें, यू कैन डू बेटर. आप डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं. आपके लिए आज की तारीख में वो नहीं रह गया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना है, कितना ऑफकोर्स इट्स आर्ट्स ऑन कि हाँ अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा है, सपोर्टिव है, तो थोड़ा सा आप इजी तरीके से कर सकते हैं. लेकिन आज की तारीख में जियो ने जो रेवोल्यूशन किया है, अनअकैडमी ने वो रेवोल्यूशन आपके साथ कर दिया है एजुकेशन के फील्ड में, कि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, किसी को आप पढ़ नहीं सकते. सो इट इज अनअकैडमी इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी जहां पर आपके पास एक्सपर्ट्स भी हैं और आपके पास जो हर एक सब्जेक्ट के मतलब स्पेशलिस्ट के अलावा आप देखेंगे क्या एक जर्नलिस्टिक अप्रोच वाले लोग भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. तो आपके लिए आपकी जहां भी जरूरत है यू कैन मूव ऑन विद अस. ठीक है, जरूरत है बस उंगली पकड़ के चलने की, दौड़ना तो हम सिखा देंगे, जीतना भी हम सिखा देंगे. राइट राइट. So, sharing my thoughts on Plan B towards the end of the session, before we wrap up the session. So, of course, success and failure is a part of life. But then again, as they say that one exam won't really decide whether you are a failure in the larger scheme of things or not. So, you just have to give your best at every stage and rest, as they say, ki karam karo phal ki chinta mat karo, and everything would fall into place eventually. So on that note, I'll just quickly share the process to enroll for the Unacademy Conclave that would be happening on 30th of September on Unacademy Live and Exclusive. So you have to share on this, you have to open this particular link, unacademy.com/events/championship conclave, or yahan pe aapko register ka button dikhega. I've already registered for it. Now it's your turn to register for this particular event, and we shall see you tomorrow at sharp 9 in the morning for the Unacademy Conclave, Champions Conclave. So on that note, I'd like to thank each one of you for joining in with us. Thank you.